गठबंधन की सरकार आती है तो क्या भारत में फिर वो दौर वापस आने वाला है जब एक साल में भारत में चार चार प्रधानमंत्री बदले हैं? आज ये सवाल क्यों? सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनावी आरोप से लग गया। प्रधानमंत्री ने क्या कहा कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में आया है कि इंडिया गठबंधन में एक साल एक प्रधानमंत्री के फॉर्मूले पर इस वक्त डिस्कशन चल रहा है, यानी इंडिया गठबंधन की सरकार आती है तो भारत में हर साल एक नया प्रधानमंत्री होगा और पांच साल में पांच प्रधानमंत्री बदलेंगे। तथ्यों के आधार पर अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री का ये दावा बिल्कुल बेबुनियाद लगता नहीं है, क्योंकि इंडिया गठबंधन भले कहने के लिए एक है लेकिन हर पार्टी के अपने अपने अलग चुनावी मुद्दे हैं, अलग अलग महत्वाकांक्षा है, अलग अलग नीति है, अलग अलग वोट बैंक है, अलग अलग राज्य है, अलग अलग राजनीति है, अलग अलग मैनिफेस्टो है, अलग अलग नेता हैं। अब सवाल यह है कि क्या ममता बनर्जी कभी राहुल को प्रधानमंत्री बनने देंगी कि नहीं बनने देंगी? उसी तरह क्या कांग्रेस ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री की सीट पर टिकने देगी कि नहीं टिकने देगी? लेफ्ट और कांग्रेस अगर वायनाड में लड़ रहे हैं आमने सामने, तो सरकार बनने के बाद एक रहेंगे कि नहीं रहेंगे? शरद पवार गुट की जो अलग महत्वाकांक्षा है, आम आदमी पार्टी जो देश के राजनीति के नक्शे पर उभरना चाहती है, क्या ये सब मिलकर एक रहेंगे कि नहीं रहेंगे? ये संदेह बार बार जताया जा रहा है, ये संदेह कि इंडिया गठबंधन की मिली जुली सरकार बनी तो इसके नतीजे भी मिले जुले होंगे और शायद देश उस दौर का रिपीट टेलीकास्ट देखे जब कैलेंडर की तरह प्रधानमंत्री चेंज हुआ करते थे। मैं फैक्ट्स बता रही हूं आपको, याद कीजिए, आपातकाल के बाद साल 1977 और 79 में गठबंधन की सरकार बनी, दो साल में दो पीएम बने, एक तो मोरारजी देसाई बने जो दो साल तक रहे, उनके फौरन बाद पीएम बने चौधरी चरण सिंह जिनको अभी अभी भारत रत्न से नवाजा गया है। सिर्फ 23 दिन के बाद पीएम पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। साल 1989 से लेकर 1991 के बीच एक बार फिर गठबंधन की सरकार बनी, थर्ड फ्रंट की जो सरकार बनी 1989, वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे लेकिन एक साल में ही वीपी सिंह की सरकार गिर गई। इसके बाद चंद्रशेखर पीएम बने लेकिन तीन महीने बाद मार्च 1991 में चंद्रशेखर सरकार भी गिर गई। 1996 से 97 का दौर याद कीजिए, जब एक साल में चार प्रधानमंत्री बने, 96 में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने 13 दिन के लिए क्योंकि उसके बाद अल्पमत में आ गई उनकी सरकार। इसके बाद 10 महीने के लिए एचडी देवेगौड़ा ने गठबंधन सरकार चलाई। देवेगौड़ा सरकार के बाद इंद्र कुमार गुजराल आए, 1997 में पीएम बने लेकिन 11 महीने बाद गुजराल ने भी इस्तीफा दे दिया। राजनीति के कई जानकार ये कहते हैं कि मिली जुली सरकार का मतलब पॉलिसी पैरालिसिस है जो राजनीतिक अस्थिरता को जन्म देता है और देश में राजनीतिक अस्थिरता अगर हो तो जीएसटी कानून से लेकर ट्रिपल तलाक खत्म करना और सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर अनुच्छेद 370 हटाना, इन सारे बड़े और कड़े फैसलों में बहुत देरी हो सकती है। इनफैक्ट पैरालाइज वो तमाम बड़े फैसले हो सकते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार कर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस समेत इंडी गठबंधन पर जमकर हमला बोला था। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि ये लोग वन ईयर वन पीएम फॉर्मूला बना रहे हैं, यानी एक साल एक पीएम, दूसरे साल दूसरा पीएम, तीसरे साल तीसरा पीएम, चौथे साल चौथा पीएम, पांचवें साल पांचवा पीएम। कहा जा रहा है कि ये लोग वन ईयर वन पीएम फॉर्मूला बना रहे हैं, यानी एक साल एक पीएम, दूसरे साल दूसरा पीएम, तीसरे साल तीसरा पीएम, चौथे साल चौथा पीएम, पांचवें साल पांचवा पीएम। बताओ भाई क्या होगा देश का? ये पीएम की कुर्सी का भी ऑक्शन करने लग गए हैं भाई, बताइए, जो बोली बलेगा एक साल बैठेगा। भारत में पहले भी कई बार ऐसा हुआ है जब एक साल में चार पीएम बने थे। पीएम बदलने की शुरुआत गठबंधन सरकार में हुई। आपातकाल के बाद साल 1977 से 1979 तक देश में गठबंधन सरकार रही। भारतीय जनसंघ, भारतीय लोकदल, कई और पार्टियों ने मिलकर सरकार बनाई। मार्च 1977 में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने,
लेकिन जल्द ही मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी। इसके बाद जुलाई 1979 में किसानों के मसीहा कहे जाने वाले चौधरी चरण सिंह देश के पांचवें प्रधानमंत्री बने। उस वक्त जनता पार्टी को इंदिरा गांधी ने समर्थन दिया था, लेकिन जब सदन में समर्थन देने की बारी आई तो इंदिरा ने हाथ खींच लिया और 23 दिन तक प्रधानमंत्री पद पर काबिज रहे चौधरी चरण सिंह को इस्तीफा देना पड़ा। साल 1989 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी की तरह तो उभरी, लेकिन सरकार बनाने को लेकर नंबर उसके पास नहीं थे।